राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही है। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पार्टी बेहद ही चिंतित है। इसी बीच मंगलवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। होशियारपुर के दसूहा में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के करीब पहुंच गया और राहुल गांधी के गले लग गया। राहुल के करीब आते ही सुरक्षाकर्मी और नेता एक्टिव हो गए और उन्हें तुरंत उसे वहां से हटाया। इस घटना के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे मुख्य सवाल तो यही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा में एक व्यक्ति राहुल गांधी के इतनी नज़दीक कैसे पहुंच सकता है। जिस समय ये शख्स राहुल गांधी के नज़दीक पहुंचा, उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर उसे वहां से हटाया। बता दें कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस दो बार गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख चुकी है। हालांकि राहुल गांधी की सुरक्षा में लगी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कहना है कि राहुल गांधी ने कई मौकों पर खुद ही दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में कहा था, सीआरपीएफ की ओर से प्रतिक्रिया आई है जिसके खिलाफ हम चिंता जता रहे हैं। ये अस्वीकार्य है क्योंकि इससे ये मुद्दा हल नहीं होगा। इससे पहले एक पत्र में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण में भी सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा के ट्विटर पर साझा किए गए पत्र में लिखा था, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां अज्ञात लोग राहुल गांधी के बहुत करीब आ गए। उसके वीडियो और फोटोग्राफिक सबूत साझा किए जा सकते हैं। उस दौरान पार्टी ने यह भी कहा कि हरियाणा पुलिस की खुफिया इकाई के कर्मियों ने यात्रा में घुसपैठ की थी और इस पर शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।